चालू। हाय दोस्तों, ये हम पिन बनाते हैं ताकि ये पटिया जो दिया हुआ है लेक्चर का, इसमें आपको सिर्फ पटिया में पिन मार दो ताकि अपने को तार मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ताकि देखो, मैं आपको बता रहा हूँ पिन का क्या इस्तेमाल करना है। ताकि लेटर पकड़ अच्छी रहेगी और अपने जैसे पटिया हेड़ा अपन ने पिन सीधे लेटर भरने के बाद हेड़ा तो अपने घर के ऊपर निकलेगी और खिले तार और खिले मारो। देखो जैसे कि अपन ने पिन पकड़ा दी है, कुछ करने की जरूरत नहीं। पिन मार दो और देख लो, अपन ने धुले ही 4 इंची दी हुई है तो 4 इंची में पिन मार दो और टाइम पर आप देख लो लेटर। इस प्रकार से हम काम करते हैं हमारी साइट पर। और ये सेंटिंग का काम किया सही तरीके से होता है हमारी साइट पर। सर ये पिन हमारी 6 इंची पे बना हुआ है, 1 इंची पटिया मार्जिन गया हुआ है, 1 इधर का गया और 4 इंची की हीट, तो 6 इंची की अपने को पिन बनाना पड़ेगी। इसकी रिंग की साइज काट दो 33 इंची का, तो आपकी रिंग ये तो भी नहीं जाएगी क्योंकि ये बल जाएगी और आ जाएगी नहीं, तो इसमें अपन पिन की रिंग बना लेंगे। अपनों ऐसा नहीं कि सर अपन ने एस्टे काट दिया है 33 का काटा कुछ काम का नहीं रहेगा, आप कितनी भी पिन काट दो ये तो सही हो जाएगा और रिंग बन जाएगी। जैसे कि अपने कालम की बड़े फुल साइज कालम की बना सकते हैं, बिम की रिंग बना सकते हैं, क्योंकि बिम की रिंग तो हमको लगेगी बिम से हाइट होएगी और उसमें बिम बनेगा तो ये रिंगे उसमें लग जाएगी। जैसे कहा 10 बाई 6 10 इंच का 10 बाई 6 का बनेगा। ये लगाते हैं, ये लग गया, कुछ करने की जरूरत नहीं और जल्दी काम भी होता है अपनी साइड पर। मौका भी लगाए, ये लग गई है दोस्तों साइड, देख लो आप। आपको केयरिंग के बारे में बता दिया है, मीटर के बारे में बता दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक वीडियो, अगला जल्दी वीडियो आएगा आपके लिए। और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। और मैं खरगोन जिले से गोपालपुरा में रहता हूँ, MP में। मेरा नाम दिलीप मंसारे है, मैं गोपालपुरा रहता हूँ। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।